के गोट मजलिस को पड़ेगा। आप यहां से फखरुद्दीन को कामयाब करेंगे। आप डॉक्टर अनवर एहतशाम की मोहतरमा सरवरी बेगम को कामयाब करेंगे। आप नेहरू विहार से असगर अंसारी को कामयाब करेंगे। आप लोग मुत्तहिद हो जाएंगे, मुत्तहिद हो जाएंगे तो फिर इंशाअल्लाह ताला कामयाबी आपके कदम चूमेगी। और दिल्ली के फसादात में तो मैं मुतमईन होकर जाऊं कि एक एक वोट मजलिस को पड़ेगा। आप यहां से फखरुद्दीन को कामयाब करेंगे। आप डॉक्टर अनवर एहतशाम की मोहतरमा सरवरी बेगम को कामयाब करेंगे। आप नेहरू विहार से असगर अंसारी को कामयाब करेंगे। अपना कीमती वक्त निकालकर आज के इस इंतखाबी जलसे में शिरकत की और हजारों की तादाद में आप तमाम का यहाँ जमा होना इस बात का पैगाम देता है कि इंशाअल्लाह ताला हमारे तीनों उम्मीदवारों को आप कामयाब और कामरान करेंगे अपने वोट से, अपने दुआओं से। और मेरी आप तमाम से अपील है कि जो आज आप यहाँ पर आए हैं 4 दिसंबर के दिन आप तमाम को मुत्तहदा तौर पर मजलिस के पतंग के निशान पर बटन दबाना है। आपको यहाँ पर अपनी एक सियासी लीडरशिप को बनाना है। आपको अपनी आवाज को दिल्ली के पहले से सब आ चुके हैं, आप लोग सब बैठ गए, वहीं बैठ गए, सब वहीं बैठ गए, सब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब जिंदाबाद जिंदाबाद। अजीजाने मिल्लत, शेरे हिंदुस्तान, आपके मुस्तफाबाद में तशरीफ आ चुके हैं। मैं यहाँ के नौजवानों से अक्सर गुजारिश करता हूँ कि वो नीचे पीछे बुजुर्ग लोग बैठे उनका एहतराम करें। आप तमाम लोगों का दर्द के लिए और आप तमाम लोगों के दर्द को बांटने के लिए बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब आ रहे हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मकसद यही है, हमारा